tú, estoy un poquito, ¿eh? Un poquito, brillo. Chantre. ¿Qué ves? Swiper. करता क्या है तू लाइफ में, जो जीवन ये ऊपर वाले ने जो लाइफ दी है इसमें करता क्या है तू? बहुत सारी चीजें कर लेता हूँ मैं, पबजी में किल्स लेके चिकन डिनर करता हूँ, 150 किलो का डेडलिफ्ट मार लेता हूँ, और स्पीड कैमरा के जस्ट नीचे आके गाड़ी सी स्लो कर देता हूँ तो फाइन नहीं पड़ता है ट्रैफिक का। पैसे कमाने के लिए जो प्रोटीन खरीदते हैं ना आप लोग, उसके लिए उसके लिए क्या करते हैं? मेरे वॉलेट के अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम है तेरी लाइफ में? है ना, यूट्यूब, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ मैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ये कौन लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं? मैं बताता हूँ आपको, हम लोगों को यूट्यूबर्स बोला जाता है और बहुत तरीके के अलग अलग यूट्यूबर्स हैं और हम अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाते हैं। देखना है आपको, पक्का देखोगे? हाँ दिखाना। सारे तरीके के यूट्यूबर्स दिखाऊंगा मैं एक ही बार में, ठीक है, ए टू जेड सारे यूट्यूबर्स। ये देखो, guys and welcome to our channel Subtle Sleeves. हम करते हैं movie reviews. मैं हूँ Subtle और ये है Sleeves. मैं हूँ Subtle और ये है Sleeves. Sleeves में रखकर बेटा. Sorry. और आज हम करने वाले हैं movie review. और क्योंकि movie review करने के लिए हमें कोई certificate, कोई school, कोई college नहीं जाना पड़ता. कोई भी उठ के कर सकता है, तो हम भी कर रहे हैं। हमने सोचा चलो घर पे कैमरा लगा लिया, माइक बिठा लिया और हम इंग्लिश पिक्चरों के रिव्यूज करेंगे हिंदी में, हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए, हमारे हिंदी लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो फिल्म हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है द नन। और बहुत ही डरावनी, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, लेकिन ये पूरी पिक्चर तो हम रिव्यू कर नहीं सकते क्योंकि हम आधी पिक्चर का रिव्यू आपको दे देंगे। आधी पिक्चर के बाद जो ये मेरा भाई है वो भाग गया था थिएटर से। मैं भागा नहीं था, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं भागा था। बस की मेरे पास की टिकट लेनी थी क्योंकि आगे का खड्डा आने वाला था, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना था बस की टिकट लेने के लिए। वैसे तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी और एंड द वे दे शॉट द मूवी, द सिनेमेटोग्राफी, द स्क्रीन प्ले, द म्यूजिक, द डायरेक्शन वाज द टॉप, द डायलॉग्स एंड द एक्टर्स, द कपड़ा जितना हम लोग को समझा, द स्पॉट बॉयज, द लाइट वाला स्पॉट बॉय भी दिख गए थे, सॉरी द लाइट थिंग जो वर्क हुआ था दैट वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी है, महंगी पिक्चर बनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज जाकर एक बार देखिए। हमने आपको सबसे पहले बताया है कि जो मूवी बनी है ये बहुत महंगी बनी है, डॉलर पूरे एक घर में डॉलर में बहुत ही महंगा घर दिख रहा था, खर्चा हुआ था वो पिक्चर बनाने में। यस यस, वी डन विद द नन रिव्यू। अगली फिल्म पे बढ़ते हैं और अगली फिल्म है कबीर सिंह। क्या हो गया बेटा, उसका म्यूजिक आया ना, ऋतिक को किसने हाथ लगाया? कबीर सिंह का रिव्यू करेंगे और बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। प्लीज प्लीज डू वॉच, एक कहीं ना कहीं एक मॉडर्न देवदास का फील आएगा और बहुत कुछ हो जाता है जब बंदी एक बंदे को छोड़ के जाती है और 9 महीनों में ऐसा लगता है कि 9 सालों की स्टोरी आगे बढ़ चुकी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मूवी में कियारा आडवाणी भी है, जैसे आपने देखा था कियारा आडवाणी सेटल स्लीव्स पे भी आ चुकी है, हमारा उनके साथ एक वीडियो भी है एंड उसके बाद से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रहा है, तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। चैट तो कर ही सकते हैं, राइट, वी कैन मेक मोर वीडियोज, आई लव यू। तो यश, तो ऐसे होता है मूवी रिव्यूज। और जहाँ तक हमारे नॉलेज की बात है कि हमने कितनी पढ़ाई की सिनेमा के बारे में, सिनेमा एप्रिसिएशन के बारे में, तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैंने मार्केटिंग पढ़ी थी, भाई इंजीनियर हैं, पर फिर भी हम जैसे लोग रिव्यू देते हैं, आप जैसे लोग देखते हैं और उन रिव्यूज में, उन स्टार्स में मानते हैं और अकॉर्डिंगली पिक्चर जानी या ना जानी ये सोच। एंड प्लीज लाइक कीजिए, अगर इस वीडियो को 2000 लाइक्स आए तो हम और पिक्चरें देखेंगे और आपको टिकट भी भेज देंगे, चाहिए तो है ना, महंगा बजट नहीं तो आधी टिकट भेज देंगे, आधी टिकट देखेंगे, हमारे देखने के बाद वो कट जाती है।
बहुत ही यूनिक और वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इसको यूज करके आप बहुत ही मैच्योर लगोगे और अट्रैक्टिव लगोगे। और इस ब्रांड ने मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए हैं यहाँ पे इसका फेक प्रमोशन करने के लिए और जूती तारीफें करने के लिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप नोटिस करोगे कि रियल लाइफ में मैं खुद ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। ये बहुत ही यूनिक और वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इसे यूज करके आप बहुत ही मैच्योर और अट्रैक्टिव लगोगे। इस ब्रांड ने मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए यहाँ पे इसका प्रमोशन करने के लिए और झूठी तारीफें करने के लिए। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रिव्यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे लगे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा कूपन कोड दिया है, तो जब आप वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे और बाय करेंगे तो प्लीज़ मेरा कूपन कोड यूज़ करना, तो आपको उससे 10% डिस्काउंट मिलेगा और 5% मुझे भी मिलेगा। ऊपर वाला बटन, ऊपर वाला। Yeah, what a drive it has been. और जैसे कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि गाड़ियों के बारे में रिव्यूज करो, इससे पहले हमने पोर्शे रिव्यू किया, जगुआर रिव्यू किया नई वाली, और अब हम मर्सिडीज रिव्यू करने वाले हैं। और उससे पहले वो रिक्शा का भाड़ा भरा ना, तो 4 रुपया बचा था मेरा, तो मैं दे देना, वो बेचारा बहुत चिल्ला रहा था। मेरे पास भी चिल्लर नहीं है, मैं उसको पेटीएम दे दे, उसका पिछली बार का भी बचा है। हाँ। तो यस, आज हम मर्सिडीज का रिव्यू करने वाले हैं, और जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे हम, वैसे वैसे आप अपनी औकात के हिसाब से गाड़ियाँ देखते रहेंगे। और बॉम्बे के मानसून में ऐसी ऐसी जब लग्जरी गाड़ियाँ आप खरीदते हैं और कहीं चला नहीं सकते, तब मुझे समझ में नहीं आता ये रिव्यूज देखते क्यों। Hey guys and welcome back to our channel Saddle Sleeves, जहाँ पे हम प्रोडक्ट के रिव्यूज करते हैं और नए नए मोबाइल फोन को अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। वैसे तो मैं खुद यूज करता हूँ एक पुराना सस्ता वाला फोन, नोकिया का 372, मगर क्योंकि आप लोगों को पसंद है इसलिए मैं YouTube पे नए नए फोन डब्बे से खोल के दिखाता हूँ। तो ये है हमारे पास एक नया माशाल्लाह वाला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा अच्छा खासा फ़ोन है एंड्रॉयड का। और इसकी खास बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी खास बात यह है कि ये फ़ोन को आप कितने भी माले से गिराओ ये टूटेगा नहीं। दिस इज प्रूफ एवरीथिंग। ये देखो अब ये फ़ोन है मेरे पास, कुछ भी नहीं, कुछ आवाज़ तक नहीं है आपको, ठीक है। अबे टूट गया ये तो फ़ोन। अबे ये तो मैं चाचा की दुकान से लाया था यार, भाड़े का फोन मेरे को वापस देना पड़ेगा, टूट गया यार ये तो। कुछ EMI मिलेगा क्या कुछ इसका? ये तो YouTube से इतना पैसा भी नहीं आता जितना मैं। भाई ठीक है, समझ गया। तो बताओ कैसा लगा आपको यूट्यूबर? बहुत बहुत अच्छा है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू ऑल यू यूट्यूबर्स आउट देयर, आप लोग बहुत मेहनत करते हो और आई होप आप सबको तरक्की मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उनके लाइक कर देना, अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कमेंट करने की बात अला करना, तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज बेल आइकन नोटिफिकेशन कोई वाला सारा। Thank you.